जी मैं राहुल हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त भाईजान घर पे नहीं है। मैं दरअसल निकी से मिलना चाहता हूँ। निकी से? जी, अगर वो घर में है तो। इस सवाल का जवाब देना जरा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो है भी और नहीं भी। आप ऐसा क्यों कह रही है? आप प्लीज जाके उसे कहिए कि राहुल आया हुआ है, वो जरूर मिलेगी। यकीन है आपको? जी हाँ। क्यों? फिर वही बेटंग का सवाल, आप जाकर उसे कहिए तो सही। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। जी। हाँ, फिर क्या हुआ? माँ तुम चिंता मत करो। हाँ निकी, एक मिनट, क्या हो गया? तुमसे नीचे कोई मिलने आया है। कौन है? राहुल। राहुल आया है? एक मिनट हाँ माँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, बाय। नीचे दरवाजे पे खड़ा है। दरवाजे पे क्यों? अंदर क्यों नहीं बुलाया उसे? तुम उसे मिलना पसंद करोगी या नहीं? मैं नहीं जानती। मिलना क्यों नहीं पसंद करूंगी? पागल। नहीं, इट्स ओके। वो मैं नेहा के बारे में पूछने आया था। नेहा? उस लड़की ने हम सबको टेंस कर दिया राहुल, किसी को बताए बिना ऐसे ही गायब हो गई है। मैं उसकी सहेली के घर जा रही हूँ, दीपा, उसका पता पूछने। तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओके ठीक है, चलो। What a pleasant surprise. Hello, Javed. I'm sorry, Deepa. मैं आप दोनों को मिलाना तो भूल ही गई। ये जावेद नहीं, ये राहुल है। Oh, hello, राहुल। राहुल? नाम कुछ सुना हुआ सा है। I'm sure. तुमने नेहा के मुंह से ही सुना होगा। There you are, right. Hope it's not in a negative way. Well, to tell you the truth, it wasn't so pleasant also. Anyways, come in. दीपा, दरअसल नेहा गलतफहमी का शिकार हो गई है। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन हालात का मारा हुआ है। और हालात, वो तो कभी कभी साधु को भी शैतान बना देते हैं। अच्छा दीपा, मुझे ये बताओ, नेहा कहाँ है? नेहा? हाँ, मैं उससे मिलके एक दफा और जो हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप प्लीज मुझे बताइए वो कहाँ है, प्लीज। आई एम सॉरी राहुल, मैं खुद नहीं जानती कि वो कहाँ है। इनफैक्ट नरेश अंकल का भी मुझे फोन आया था। मैं जानती हूँ कि तुम नेहा की बहुत अच्छी सहेली हो। वो लड़की किसी को बताए बिना ऐसे ही गायब हो गई है। तुम्हें भी नहीं पता था कि वो घर छोड़ के जाएगी? अब इतना जरूर कहा था कि वो जिंदगी से तंग आ चुकी है। कहाँ जाना चाहती थी वो? ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। बस जाना है कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ उसके पास्ट का साया भी उसके साथ ना जा सके। मुझे भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी। दीपा, we all know that नेहा was very close to you. नेहा ने तुमको कुछ तो बताया होगा कि वो कहाँ जाना चाहती थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे कुछ छिपा रही हूँ? Oh no, please don't misunderstand me. शायद नेहा ने बताने से मना कर दिया हो या? नहीं निकी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और बताती भी कैसे, जबकि वो अपनी मंजिल का पता खुद नहीं जानती थी। She was very confused. बस जाना है, यही धुन लगी थी उसे। और ये धुन उसे कहाँ ले गई,
सिर्फ भगवान जानता है। हेलो, बाहर क्यों पड़े हो? अंदर क्यों नहीं आ रहे? भाई हमें तो हैरत हो रही है कि आज हमारी बहन ने हमको देखकर कोई मजाक क्यों नहीं किया, उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछे कि कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो। और ये देखो चेहरे पे शरारत का नामो निशान तक नहीं है। क्या बात है जनाब, क्षमा पर अंधेरा कैसा? कुछ नहीं भाईजान, ऐसे ही। देखो भाई ऐसे ही खामोश होने वालियों में से तुम तो नहीं, कुछ बात तो जरूर है। टाटा अबू ने आपको? नहीं। अच्छा अम्मी ने कुछ कहा? नहीं भाईजान। नहीं, ये बाहर के चेहरे पे खिजा कैसे आ गई? कहा ना कुछ नहीं। ये क्या है? ये आपके लिए मिठाई है और ये हमारी खातून के लिए है। निकी? निकी? नहीं है वो। कहाँ गई है? अपनी बहन की तलाश में बाहर गई है। अरे तो अकेले क्यों चली गई? तुम उसके साथ चली जाती? अकेली नहीं है वो। अच्छा तो कौन गया उसके साथ? भाई चुप क्यों हो, जवाब दो, कौन गया साथ उसके? राहुल। राहुल? थक गया है जिंदगी से प्रभु, बहुत बुरा काम कर लिया, बस मेहनत से दो सूखी रोटी खा सकूं, बस इतना ही चाहिए। धो डालो मेरे पाप प्रभु, इसीलिए इस पवित्र धरती पर आया हूं। कुंदन, ये साहब जी का सामान ये 207 में लेके जाओ जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कमरा चाहिए? नहीं जी। तो फिर क्या चाहिए? आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद? हाँ चाचा, मैं अनिल हूँ चाचा, आपका अनिल। तू अनिल है? लो जी, मैं तो पहचान ही नहीं। आजा, आ, 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 नहीं, नहीं, तो उधर ही रह, उधर ही रह। मगर क्यों चाचा, वो भाई डर लगता है। चाचा, वो चाचा, चाचा मेरी बात तो सुनो। चाचा, मगर मैं पूछता हूँ तू यहाँ आया क्यों है? है? ये क्या उल्लिया बनाया तूने? ऊंचे ऊंचे टोपी शोपी, कोई बड़ा चक्कर करके आया? चाचा देख देख, अगर कोई बड़ा चक्कर करके आया तो पूरा दरवाजा तू अभी निकल ले जा। चाचा शरण में आए हुए शत्रु का भी तो स्वागत होता है। मैं तो आपका अनिल हूँ, लाडला अनिल। अरे भाई लाडला था है जी, लेकिन बाद में सब बस सब कुछ भुला दो चाचा, सब कुछ भुला दो। अरे खोटे कर्म करके मुझे मिला क्या चाचा? डर डर की ठोकरी अशांति। बस चाचा बस, अब मैं सुधरना चाहता हूँ चाचा। अभी तो इतनी दूर से आपके चरण में आया हूँ चाचा, मगर मुझे निराश मत करना चाचा प्लीज। अब जाके तो मुझे समझ में आया कि कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। ओ तू सच्ची कह रहा बच्चे? माँ की सौगन चाचू। अरे आप जैसे भले आदमी के छत्र छाया में रहूंगा तो जल्दी सुधर जाऊंगा चाचू, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन तेरी वो कहाँ है पत्नी? मैं पति होता तो पत्नी रहती ना चाचू, अपनी बुरी आदतों की वजह से मैंने उसे भी खो दिया चाचू। खैर अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि मेहनत की दो रोटी कमाऊंगा और चैन की नींद सोऊंगा चाचू, वो भी आपके चरण में। चल कोई नहीं कोई नहीं है। देखो जी मैं कहता हूँ जो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना तो भूला नहीं कहलाता है। लेकिन एक बात है बच्चे, तू यहाँ रह के करेगा क्या? नंबर एक चाचू मैं आपकी सेवा करूंगा, आप अकेले हैं ना।
और नंबर दो चाचू मुझे कोई भी छोटे मोटे होटल में नौकरी दिला दीजिए, मैं वेटर शेटर बनने के लिए तैयार हूँ चाचू। चल कोई नहीं, वो तो अपन बाद में सोचेंगे जी। अभी तो तू एक काम कर बच्चे, मेरे कमरे में जा, नहा धो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन। देख सुन, अपन दोनों चाचा भतीजे मंदिर जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और एक बात और सुनेगा चाचा जी। बोलिए चाचू। देख बच्चे, ये अपनी मूछें हटा दे, काट दे, तू सोना सोना जवान बच्चा है, तेरे को मूछें अच्छी नहीं लगती। कुंदन, बाप को मेरे कमरे में ले जा, जा। बड़ा समझदार नेक बंदा था जी, गलत सोबत में पड़ के बड़ा गलत आदमी हो गया। चलो भगवान की मेहरबानी, फिर से अच्छा हो गया। मिस्टर मल्होत्रा, आपने बताया नहीं कि आपका बेटी घर छोड़कर किस रीजन से गया। I mean why? इस वाई से तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम एक डिटेक्टिव हो, उसे तलाश करने की फीस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और एक बात ख्याल रहे, मेरी बेटी घर से गायब हो गई है, इस बात को उछालना नहीं है, ये एक राज रहना चाहिए। ऑफ कोर्स, ये राज ही रहेगा। आदाब आंटी। आदाब बेटा जी। सर आदाब अंकल। हेलो जावेद, बैठो भाई, कैसे आना हुआ? बस यूं ही आप लोगों की खबर मालूम करने चला आया। कुछ न्यूज आई नेहा की? नहीं जावेद, कुछ पता नहीं, बहुत फिक्र हो रही है, भगवान जाने कहां गुम हो गई। मिल जाएगा, फिक्र नॉट। मिस्टर मल्होत्रा, आपने तो बोला था कि सब राज का बात है, फिर इस यंग मैन को कैसे मालूम हुआ? अरे वो घर का हमारा दामाद है। वो तो आई सी, दामाद है तो अच्छी बात है। अच्छा मिस्टर मल्होत्रा, अब मैं चलता है, जल्दी आपको गुड न्यूज देगा। ओके बाय। और सुनाओ जावेद, निकी कैसी है? निकी? हाँ, अरे उसका नाम भी भूल गए क्या? नहीं अंकल, मैं दरअसल निकी के बारे में ही सोच रहा था। उसके बारे में सोच रहे थे? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक्चुअली मैं नेहा के बारे में सोच रहा था, निकी भी उसको लेकर काफी परेशान रहती है। हाँ भाई, परेशानी की बात तो है ही। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं, बस अभी आ ही गए हो तो थोड़ी देर बैठो। अभी मुझे लगता है तुम्हारा मन कुछ भारी है, कुछ पूछना चाहते हो? अंकल, एक और नई परेशानी ने घर कर लिया है। कैसी नई परेशानी? अरे नेहा की परेशानी होगी, और किसकी? क्यों जावेद? हाँ, और क्या हो सकता है। ठीक है, चलता हूँ अंकल। सबको घर पर नमस्ते कहें। इसकी परेशानी कुछ और है, कहीं निक्की को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं नरेश, I'm sure दोनों बहुत खुश हैं। तो फिर और क्या हो सकता है? I wonder। Yes sir। नहीं, नहीं। चंदू, साहब को 312। थैंक यू। चोरी से चले जाए मगर हेरा फेरी से नहीं जाए। लानत है, लानत है, लानत है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या कभी नहीं बच्चे? बस वही पुरानी आदत चाचू, चोरी जब खून में मिल जाए तो कितना मुश्किल होता है उससे बचना। जी वो बात तो सही है, लेकिन देखो जी मैं एक बात कहता हूँ, जब बंदा बुरी आदतें डाल सकता है तो बंदा बुरी आदतें छोड़ भी तो सकता है। यस, नियत साफ होनी चाहिए जी। हम मंदिर जा रहे हैं, तुम ये गल्ला संभाल के रखना। अच्छा अच्छा, मेरे लिए प्रार्थना करनी है। दुश्मन, दुश्मन और मैं, और नहीं तो क्या, मैं वैसे ही भूलकर
चुप्पी हो रही हूँ। खिलाकर और कुप्पा बना देने का इरादा है तुम्हारा? क्यों लाए हो उस मिठाई को? तुम्हें पसंद जो है। पसंद तो मुझे तुम भी हो। क्या तुम्हें भी खा जाऊं मैं? खा तो रही हो तुम। जस्ट अ मिनट जाने। तुम्हारी बातों से तो नश्तर की बू आ रही है। तुम नेहा को ढूंढने गई थी? हाँ, और तुम्हें पता है दीपा को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। तुम अकेली क्यों गई थी? हसीना को अपने साथ क्यों नहीं लिया तुमने? अकेली कहाँ गई थी, राहुल भी तो साथ था। एक बात बताओ, तुम्हें राहुल का इस घर में आना अच्छा लगता है? हाँ हाँ अच्छा लगता है। क्यों जावेद, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? राहुल तुम्हारा भी तो दोस्त है, तुमने उसे आत्महत्या करने से बचाया था। तुम उसे सकनी हल्के अस्पताल लेके गए थे और इसीलिए हमने अपना हनीमून में कैंसिल किया था। और तुम्हें राहुल का यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, और मैं ये चाहूंगा कि तुम दोनों ना ही मिलो तो बेहतर है। तो तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम पर तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल पर नहीं। What nonsense, जावेद! It makes a lot of sense to me, Nikki, okay? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ निकी, मैं सिर्फ तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। सीधे लफ्जों में ये है कि मैं तुम्हें राहुल से मिलने की इजाजत नहीं देता। इजाजत? तो अब मैं किससे मिलूं किससे ना मिलूं इसकी इजाजत तुम मुझे दो? बिल्कुल मैं दूंगा, तुम मेरी बीवी हो। बीवी हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ। क्या समझ लिया है तुमने मुझे, कोई गाय या भैंस जिसे तुम एक खूंटे से बांध सको? I'm sorry, लेकिन मैं एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ और मेरे लिए पति पत्नी का दर्जा एक है। निकी, तुम बात को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। हाँ, तभी राख में चिंगारी तो तुम्हें लगाई है। इसका मतलब जावेद कि तुम आज भी मुझ पर शक करते हो। अगर मैं तुम पर शक कर भी रहा हूँ निकी, तो मेरा शक बेबुनियाद नहीं। आह, बेबुनियाद! लेकिन उस बुनियाद को तो दफना दिया था ना हमने, तुम्हें क्यों तुम उसमें जान डाल रहे हो? जावेद, नाउ लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू, जो कुछ भी उस वक्त हुआ था मैंने उसके लिए तुमसे माफी इसीलिए नहीं मांगी थी कि मुझे शादी के लिए कोई दूसरा लड़का नहीं मिलता, बल्कि इसीलिए मांगी थी कि मेरे दिल में सचमुच तुम्हारे लिए एक इज्जत थी, एक सम्मान था। मुझे लगा था कि मैंने सचमुच एक नेक और एक शरीफ लड़के के साथ जाति की है। उसका अफसोस था मुझे, उसकी शर्मिंदगी थी। और तुम आज तुम ही मुझ पर शक कर रहे हो, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। चाचा तुम चलो, मैं आता हूँ। पर क्यों? अरे चाचा, वो भीड़ में मुझे मेरा दोस्त नजर आ गया, मैं उसे मिलकर आता हूँ। अरे भतीजे सुनो, अगर तुम्हारा दोस्त किसी दूसरे होटल में ठहरा हो ना, तो उसे अपने होटल में ले आना, भाई एक कमरा और लग जाएगा। अच्छा। ए भाई, तुमने यहाँ कोई जवान लड़की को जाते हुए देखा है? यार जवान लड़की को तो जाते हुए देखा है? तो वो यहाँ आई कैसे? बस करो नरेश, ज्यादा शराब पीने से नेहा लौट कर तो नहीं आ जाएगी ना। भाग दौड़ करो, ढूंढो उसे, तलाश करो उसे। बात अगर फैल गई तो बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद वो होते हैं जो आबाद हों। इस घर में तो सभी बर्बाद ही बर्बाद हैं, सिवा मेरे। क्योंकि तुम खुद गर्ज हो, सिवा आपने तुमने कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं। तुमने तो बहुत सोचा ना, लेकिन क्या तीर मार लिया?
दो बेटियां हैं, उनकी ठीक से देखभाल तक नहीं कर सकती। नरेश, कभी अपने गिरबान में भी छाप कर देख लिया करो, ये सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है।